Hello, dear students. In the last video on the series of the explanations of this poem, Three Years She Grew, in this video, we will discuss the seventh stanza of this poem, Three Years She Grew. In the previous stanzas, we have seen that. नेचर दैट द नेचर इज़ एक्सप्रेसिंग इट्स डिज़ायर टू एजुकेट लूसी अकॉर्डिंग टू इट्स प्लान पहले के स्टैंड में हमने देखा कि नेचर जो है वो लूसी को अपने ढंग से एक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना चाहती है और ये शिक्षा वो नेचर के जो डिफ़रेंट टूल्स हैं जो सितारे हैं क्लाउड्स हैं स्टॉर्म हैं रिवर्स हैं तो इनके द्वारा वो ये शिक्षा प्रदान करना चाहती है एंड शी वांट्स दैट लू लूसी शुड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ साइट एंड साउंड ऑफ नेचर जो प्रकृति की सुंदरता है उसको भी लूसी एंजॉय करे एंड इट शेल हेल्प हर डिवेलप हर इनसाइट उसके अंदर की जो सुंदरता है उसको भी वो बढ़ाएगी और उसके जो आ, उसको आंतरिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इस तरह का नेचर का प्लान था बट अनफॉर्चुनेटली लूसी डाइज यंग डेथ बहुत ही जल्दी बहुत कम उम्र में ही लूसी की डेथ हो जाती है एंड इन दिस इजेंजर द नेचर इज इज एक्सप्रेसिंग इट्स ग्रीफ अपना दुख प्रकट कर रही है कि किस तरह जो है उसका काम अधूरा रह गया एंड लूसी लाइफ वॉज ओवर लूसी का जो कोर्स ऑफ लाइफ था उसका जो जीवन था वो पूरा हो गया शी वॉज गॉन शी डाइड एंड

i will read out the lines: "thus nature spoke. the work was done. how soon my lucy's race was run! she died, and left to me this heat, this calm, and quiet scene, the memory of what has been, and never more will be." to nature jehovah prakati keh hai, thus nature spoke. तो प्रकृति ने ऐसा कहा क्या कहा वर्क वॉज डन काम हो गया अब कौन सा काम हो गया कौन सा काम हो रहा था जैसा कि इस कविता का एक टाइटल द एजुकेशन ऑफ नेचर भी है तो वर्क ऑफ़ द एजुकेशन ऑफ़ नेचर वॉज डन डन से तो मतलब होता है वैसे कि कोई काम पूरा हो गया बट इनफैक्ट द वर्क वॉज नॉट डन जो काम है वो नहीं हो पाया इट वॉज़ इट कुड नाट बी कम्प्लीटेड फुल्ली पूरे पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया वो काम कौन सा काम द एजुकेशन ऑफ नेचर जो uh, प्रकृति लूसी को जो शिक्षा देना चाहती थी वो पूरा नहीं हो पाया एंड इट इज एक्सप्रेसिंग इट्स सैडनेस इन दीज लाइन्स नेक्स्ट लाइन देखिए हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन माए लूसी तो देखिए यहाँ माई लूसी मेरी लूसी हम देख चुके हैं द नेचर वॉन्ट्स टू अडोप्ट लूसी एज एस ओन चाइल्ड अपने बच्चे की की तरह वो उसको पालना चाहती है तो उसी तरह वो इट इज़ यूजिंग द सेम इंटीमेट वर्ड्स कि मेरी जो लूसी है उसका जीवन रेस का मतलब है उसको हर लाइफ हर कोर्स ऑफ लाइफ उसका जीवन काल जो है वाज रन वाज ओवर हाउ सून कितनी जल्दी कितनी जल्दी मेरी लूसी का जीवन पूरा हो गया uh, uh, उसका उसकी मृत्यु कितनी जल्दी हो गई हाउ सून शी डाइड शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी शी डाइड शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड वो इस दुनिया को छोड़ गई एंड लेफ्ट टू मी एंड लेफ्ट मी हियर और मुझे यहाँ छोड़ दिया कहाँ छोड़ दिया दिस हीत ही कहते हैं बेटा एक एक बंजर यू कैन से डेजर्टेड प्लेस कोई ऐसा सुनसान जगह जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है तो दिस हीत मीन्स नेचर इज़ फीलिंग लोनली विदाउट लूसी उसको लग रहा है कि ये जो है एक हीत जैसी एक बंजर अकेली सुनसान जगह पर मुझे छोड़ दिया और वो और कैसी है ये जगह दिस काम एंड क्वाइट सीन काम और क्वाइट वैसे तो कहते हैं हम शांत जगह के लिए एंड इट इज़ यूज इन अ पॉजिटिव सेंस अगर शांति कामनेस एंड क्वाइटनेस होती है बट यहाँ इसका मतलब है इट सीम्स दैट नेचर फील इट्स सेल्फ ब्लैंक एंड एम उसको बहुत खालीपन लग रहा है उसको ये जो शांति है ये पॉजिटिव सेंस में नहीं है इस शांति में देर इज सम रेस्टलेसनेस इन दिस सॉलीटूड यानी जो ये सुनसान अकेलापन है उसमें बहुत खालीपन है और उसे देर इज़ सम रेस्ट कुछ बेचैनी है जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने प्रियजन को अपने डियर वन को लूज़ करने पर उनको खो देने पर एक मन में एक अशांति Uh, or dukh bana hai. The same kind of feelings are expressed here in these lines by the uh, nature. It is saying that uh, Lucy has left this world and only I am left here in this deserted uh, place and I am feeling blank and empty from inside, and at the same time, uh, the nature is uh, uh, having some feeling of restlessness and sadness. विद इन इट्स सेल्फ उसके अंदर एक अशांति और बेचैनी की भावनाएँ भी हमें दिखाई दे रही हैं और आगे कहती है नेचर द मेमरी ऑफ वॉट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी द मेमरी और मेरे पास अब क्या रह गया है नाव आई हैव ओनली मेमरीज ऑफ लूसी जो कि कभी थी वॉट हैज़ बीन जो कभी हुआ था मेमरीज़ आर Uh, we can say the pictures which are imprinted on our minds, जो हमारे मन पर अंकित हो जाती हैं जो कि कभी हुआ होता है और दोबारा नहीं होता and never more will be और कभी दोबारा नहीं होगा means कभी दोबारा लूसी वापस नहीं आएगी and the nature will never have her company again. Previous stanzas में हम देख देख चुके हैं स्पेशली इन स्टेंजर नंबर सिक्स में क्लियरली नेचर की जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करती है दैट मी एंड शी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल तो पहले उसने उस स्थान को हैप्पी डेल कहा था थाप्पी खुशी से भरी हुई और डेल यानी वैली तो एक खुशी से भरी हुई ये जो घाटी है वैली है यहाँ मैं रहूँगी एंड इन द द सेम प्लेस बिकम्स अ हीथ फॉर नेचर इवन प्रकृति के लिए भी वो स्थान उसको एक हीत के जैसा एक बंजर सुनसान डिजर्टेड प्लेस जैसा लगने लगता है वैन शी हैज़ लॉस इस चाइल्ड लूसी अपने बच्चे को खो देने के बाद जो है नेचर जो है इट इज़ ऑल्सो सेड एंड इट सेज दैट नाउ ओनली द मेमोरी ऑफ लूसी इज लेफ्ट विद हर और केवल अब लूसी की uh, स्मृति ही उसके पास रह गई है लूसी अब जा चुकी है तो इस लास्ट एंजा में uh, जो है लाइफ का एक मैसेज भी वर्सवर्थ हमें दे रहे हैं दैट लाइफ इज़ फ्रेज़ाइल, दी ट्रांजिटरीनेस ऑफ लाइफ जो जीवन की क्षण भंगुरता है कभी भी नष्ट हो सकता है कभी भी खुशियाँ जा सकती हैं उस तरह का मैसेज भी विलियम वर्सवर्थ ने हमें इस कविता में दिया है सो दिस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेंजा फॉर द एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ आया होगा Thank you so much.